हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को यातनाएं देते हुए मानवता की सारी हद पार कर दी। जानकारी के मुताबिक कलयुगी बेटा अपनी वृद्ध माँ को घर में बंद करके काम पर चला गया और 20 दिन तक माँ घर में भूखी प्यासी लेटी रही। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान वृद्ध महिला की मौत हो गई। घटना बीसलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुर्गा प्रसाद मोहल्ले की है, जहां लीला देवी को आसरा आवास आवंटित हुआ था, जहां महिला पिछले एक साल से अपने बेटे पंकज के साथ रह रही थी। 20 दिन पूर्व वृद्ध महिला का पुत्र पंकज महिला को आवास में बंद कर काम पर चला गया और वापस नहीं लौटा। भूख प्यास से व्याकुल वृद्ध महिला ने खिड़की पर खड़े होकर आस पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई। आसपास के लोग ही खिड़की से खाना देकर महिला का भरण पोषण कर रहे थे। भूख प्यास और पर्याप्त भोजन न मिल पाने के कारण महिला की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। गुरुवार को कमरे में महिला के दिखाई न देने पर पड़ोसियों ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो महिला बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मामले पर जानकारी देते हुए बीसलपुर सीओ प्रशांत सिंह ने बताया है कि वृद्ध महिला के आवास में बंद होने की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई थी। वृद्ध महिला को कमरे से निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां महिला की मौत हो गई।